बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन के साथ मैं मोहम्मद तासिम काशकर भाइयों, आज हम बात करेंगे कि पिछले दिनों होने वाले सीएम पंजाब मरीम नवाज साहब के जरिए जो इजलास हुआ है, जिसमें पंजाब के काश्तकारों के लिए एक बहुत बड़े तारीखी पैकेज का इसमें ऐलान किया गया है, उसमें कौन कौन से पैकेज हैं, कौन सी हमें सहूलियत मिलने वाली है, कौन सी मदद जो है वो हम काश्तकारों के लिए मिल सकती हैं, तो इस सवाल पर इन्फॉर्मेशन फार्मा दाखिल करूंगा। तो इन्फॉर्मेशन जानने से पहले मेरी गुजारिश है कि इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली इन्फॉर्मेशन आप तक आसानी पहुंच सके। तो काश्तकार भाइयों, इसमें जो है वो किन स्कीमों का इस्तेमाल किया गया है, कौन सा पैकेज हमें मिलने वाला है, तो इस वाले इन्फॉर्मेशन में जो है वो आपके साथ शेयर करूँगा। इसमें सबसे पहली बात यह है कि हमारे मरीम नवाज साहब के जरिए जो इजलास हुआ है पंजाब के काश्तकारों के लिए, उसमें ये ऐलान हुआ है कि पंजाब हुकूमत के जो काश्तकार हैं उनके लिए बहुत बड़े तारीखी पैकेज का ऐलान किया गया है, जिसमें सबसे पहले पंजाब किसान बैंक ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम, हार्वेस्टर और सिलाई आलात की मकामी सतह पर तैयारी, आयल सीड प्रमोशन प्रोग्राम का जो है वो ऐलान किया गया है। तो काश्तकार भाइयों, इसमें जो है वो अगर हम पंजाब किसान बैंक की अगर बात करें तो उसमें काश्तकारों को आसान कर्जों के लिए जो है वो एक पंजाब किसान बैंक करने का जो है वो उन्होंने फैसला किया है। इसके बाद जो है वो काश्तकारों के लिए सीएम पंजाब ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज ट्रैक्टर जो ट्रैक्टर स्कीम है, जिस पर पहले भी जो सब्सिडी हमारी पिछली हुकूमत देती रही हैं, उसमें जो है वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज ने ट्रैक्टर पर महज 6 लाख रुपये की जो सब्सिडी की तजवीज़ थी उसको मुस्तरद किया है। उन्होंने कहा है कि वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज ने छोटे ट्रैक्टर पर 70% और बड़े ट्रैक्टर पर जो है वो 50% सब्सिडी देने का जो है उन्होंने फैसला किया है। इसके बाद वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज शरीफ का पंजाब ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम का जो है वो फेज़ वन जो है उनका 1 साल में मुकम्मल करने का जो उन्होंने फैसला दिया है। इसके अलावा हर साल पंजाब ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के जो उसमें जैसा कि इस साल अगर फर्ज करें अगर 100 ट्रैक्टर उन्होंने एक साल पहले फेज़ में दिए, तो जब दूसरा फेज़ उसका आएगा तो उसमें उन्होंने कहा है कि इसकी तादाद को बढ़ाया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर लाज इसमें परफॉर्म करेंगे, अप्लाई करेंगे और ज़्यादा फार्मर लाज को जो है वो ट्रैक्टर दिए जाएंगे। तो इसके बाद है हर साल पंजाब ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम तहत जो है वो इसका जो कोटा है उसको बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा 6 एकड़ से 50 एकड़ के जो अराजी मालकान हैं वो इस ट्रैक्टर स्कीम में जो है वो हिस्सा ले सकेंगे, ट्रैक्टर स्कीम में जो है वो अप्लाई कर सकेंगे। इसके बाद उन्होंने कहा है कि वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज साहब जो है मकामी सतह पर हाई टेक मैकेनाइजेशन, यानी कि एक बड़े पैमाने पर जो है वो बड़ी हमारी जो मशीनरी है उस प्रोग्राम की भी उन्होंने मंजूरी दी है कि वो गैर मुल्की कंपनियां पंजाब में मकामी इश्तराक के साथ जो है वो हार्वेस्टर और दीगर जरिए की जो है वो तैयारी में उनकी मामनत हासिल होगी कि गैर मुल्की जो कंपनियां हैं वो हमारे पंजाब में आके हमारे पंजाब के जो मैकेनाइजेशन प्रोग्राम है उनके साथ मिलकर काम करेगी। इसके अलावा जो है वो पंजाब में आयल सीड प्रमोशन प्रोग्राम शुरू करने की भी मंजूरी दी गई है। सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में तेलदार अजनास तैयार करने की भी जो है वो तरगीब दी गई है। तो काश्तकार भाइयों, मेरी फार्मूला से ये गुजारिश है कि ये स्कीम का उन्होंने इफ्तिताह करने जा रही है हमारी पंजाब हुकूमत, हम भी दुआ गो हैं कि ये जो एक बहुत बड़ा इफ्तिताह जो हमारी करने जा रही है, एक बहुत बड़ा काश्तकारों के लिए एक प्लान बनाया गया है, इसको जो है वो इसको मंजूर किया जाए, हमारे फार्मर लाज जो है वो इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, अपना हक लेने के लिए अपनी जो है वो बाहर निकलें, अपने दरख्वास्तें जो है वो जल्दी से जल्द जो है वो अप्लाई करें और इंशाल्लाह जो है वो सभी फार्मर्स रात जिनका रकबा 6 एकड़ से ज़्यादा है और 50 एकड़ से जिन फार्मर्स रात का रकबा कम है वो इस स्कीम का हिस्सा होंगे। पंजाब के काश्तकारों के लिए बनाया गया मनसूबा और इफ्तिताह होने वाला जो मनसूबा था, एक तारीखी पैकेज था, उसके हवाले से इंफॉर्मेशन फार्मर लाज से गुजारिश है कि अगर वीडियो समझ आई हो, पसंद आई हो, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जो है वो अपनी इजहार भी किया करें, अपने जो है वो अगर आपके कोई सवालात होते हैं तो वो सवालात भी आप कर सकते हैं, हम आपको जो है वो हम आपको इसका जवाब देते रहेंगे। वीडियो समझ आई हो, पसंद आई, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, आइंदा इन्फॉर्मेशन के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।